अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बताते चलूं मैं कि आज जो हम टॉपिक करेंगे वो उसका नाम है क्लिप मास्किंग। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? क्लिप मास्किंग नाम है टॉपिक का। और इस टॉपिक के अंदर हम क्या करते हैं, इस टॉपिक के अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम कोई इमेज इसके अंदर एडजस्ट करते हैं या फीड करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर था जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरीके से मैजिक बैंड के थ्रू हम कोई भी इमेज को कट या पेस्ट करके हम अपने जो है वो वर्किंग एरिया के अंदर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो तुम्हें वो मैजिक बैंड वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो गया था? जरा वो क्लियर हो गया था तो मुझे बताओ। और सेकेंडली ये कि जो टेक्स्ट वाला पार्ट तुम्हें कराया था इससे प्रीवियस क्लास में, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरीके से हम टेक्स्ट लेयर को दो डिफरेंट कलर थीम में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको रेस्टराइज करके, तो वो वाला पार्ट भी समझ आया था। तो पहले तो मुझे वो पार्ट क्लियर कर दो कि वो चीज़ समझ आएगी मुझे, एक बार मैसेज में लिख दो कि वो पार्ट समझ आ गया, ताकि फिर हम आगे से क्लास को स्टार्ट कर। मैंने कुछ पूछा है शायद वो मैसेज पे, मुझे बताओ कि जो चीज मैंने बताई थी लास्ट टाइम वो समझ आई थी या नहीं समझ आई थी? मैजिक टूल नहीं आया? अच्छा, मैजिक टूल वाला पार्ट समझ नहीं आया, चलो ठीक है। मैं एक बार दोबारा से उसका एक प्रीव्यू दे दे रहा ताकि फिर तुम उसके बाद से जो है आगे का जो काम है मैं तुम्हें उसको बताता चलूँ क्या करना है। ठीक है, तो चलो लास्ट लेक्चर को दोबारा से एक बार तुम्हारे कहने पे फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैजिक वैंड टूल का मैंने तुम्हें बताया था कि मैजिक वैंड टूल हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक लेयर लूंगा, और लेयर लेने के बाद ठीक है सेकेंडली मैं कोई सा भी एक पार्ट या कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं इस बार जो है कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ इंस्टाग्राम लोगो ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मैंने जो है वो एक इंस्टाग्राम लोगो वाला जो है वो इसकी इमेज सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं गूगल से मैंने सिलेक्ट की, मैं इस पे कर रहा हूँ राइट क्लिक। राइट क्लिक करके जैसे मैंने इसको राइट क्लिक किया तो अभी ये ओपन होगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में, और जैसे ही ओपन होता है तो फिर हम इसके बाद इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हियर वी गो, ये इमेज ओपन हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, इमेज ओपन करने के बाद राइट क्लिक करके मैंने इसकी कॉपी ले ली। ठीक है, इस इमेज को मैंने कॉपी इमेज ली, और कॉपी इमेज लेने के बाद मैंने अपने वर्किंग एरिया में आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं जरा सा जूम करूं और जूम करके मैं देखना चाहता हूं कि करीब से ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया। जूम करने के लिए क्या करते हैं हम, ऑल्ट दबा के जो हमारा कर्सर होता है उसको हम मूव फॉरवर्ड करते हैं तो ये जूम हो जाता है। ठीक है, जूम इन हो जाती है, और बैक करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं अपना मैजिक वैंड यूज करने जा रहा हूँ, दैट इज मैजिक वैंड टूल। क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैंड टूल के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों टूल ना, तो दोनों टूल क्या है, सिमिलर है। अब इसमें क्या करते हैं, मैं नॉर्मली मैजिक वैंड टूल यूज करता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो पार्ट हमें सिलेक्ट करना होता है वो आसानी से सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पूरा एरिया अदर देन ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है हम सिर्फ उसको सिलेक्ट करने के लिए मैजिक वैन टूल का सहारा लेंगे। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं शिफ्ट दबा के क्या करने जा रहा हूँ, शिफ्ट दबा के मैं एरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है,
मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया और हेयर यू कैन सी, ये मैं पूरा एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से पूरा एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये पूरा इनसाइड इसका एरिया सिलेक्ट हो गया। सिमिलरली अंदर का वाला पार्ट भी जो है मैं सिलेक्ट कर लिया। ये मैंने क्या किया, मैंने मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, शिफ्ट प्रेस करके मैं एरिया सिलेक्ट करने लगा, ठीक है। हेयर यू कैन सी अब ये मेरा पूरा पार्ट जो है लोगो वाला पार्ट पूरा सिलेक्ट हो गया। अब ये सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस लेयर की कॉपी लेता हूं मैं। कॉपी लेयर लेने के लिए कंट्रोल जे किया मैंने, और जो पुरानी वाली लेयर थी उसको मैंने बंद कर दिया। बंद कर दिया तो ये सिर्फ जो मेरा लोगो वाला पार्ट था ये सिर्फ आके मेरा यानी कि मैजिक वैंड के थ्रू सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो उसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे करें, ठीक है। तो समझ आया कैसे हुआ क्या हुआ, समझ आया तो जरा एक बार मुझे बता दो कि ये पार्ट समझ आया, कि किस तरीके से हम मैजिक वैन टूल के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम अपने वर्किंग एरिया के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ आ गया, ठीक है। ऑल राइट, तो अब हम क्या करते हैं, इसके आगे से जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज क्लिप मास्किंग, वो हम स्टार्ट करने लगे। तो क्लिप मास्क तुम्हें समझाऊंगा कैसे जो है वो क्लिप मास्किंग के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इन दो लेयर को जो मैंने अभी किया था रिसेंटली, ठीक है, इन दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं लूंगा एक लेयर, ठीक है। लेयर लेने के बाद मैं कोई टूल सिलेक्ट करने लगा हूँ, यानी कि रेक्टेंगुलर टूल ले लो या फिर शेप जिसे कहते हैं, मैं शेप लेने लगा हूँ, रेक्टेंगल टूल हो गया, एलिप्स हो गया, या फिर हमारा राउंड, मैं नॉर्मली एलिप्स टूल यूज करता हूँ, ठीक है। मैंने एलिप्स टूल लिया और एलिप्स टूल लेने के बाद मैंने इसको ड्रैग करके छोड़ दिया। एज यूजुअल थोड़ी सी कमांड के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मेरा स्ट्रोक वाला पार्ट है वो हमेशा मैं बाय डिफॉल्ट 10 रहता है, तो उसको मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने 1 पे कर दिया, ठीक है। 1 पे करने के बाद ये मेरा एक क्या एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट था इस लेयर में, मैंने इसकी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करने लगा हूँ, एक और लेयर लूंगा, ठीक है। एक लेयर के अंदर ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक और लेयर ली। एक और लेयर लेने के बाद अब मैं क्या करने जाऊंगा, अब मैं कोई इमेज लेट सपोज मैं उठाने जा रहा हूँ और मैं किसी फ्रूट्स कि जो है वो एक इमेज मैं लेना चाह रहा हूँ, ताकि कोई फ्रूट की जो है वो नजर आ जाए, ठीक है। हेयर वी गो, ये वाली इमेज सबसे अच्छी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक कोई सी भी इमेज ले सकती हो, और मैंने जो है वो फ्रूट वाली इमेज उठाई, और इसको उठाने के बाद इसकी मैं करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद अब मैं दोबारा अपने वर्किंग एरिया पे आऊंगा, और वर्किंग एरिया पे आने के बाद अभी मैं क्या करूंगा, अभी एक जादू मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो मेरा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट था इसको, और जो मेरा एक अभी लेयर सिलेक्ट की, मैं ऑल दबाऊंगा, और ऑल दबाने के बाद जैसे ही मैं नीचे आ रहा हूँ तो देखो एक कर्सर तुम्हें नजर आ रहा होगा, ये कर्सर नीचे की तरफ इशारा कर रहा है कि लेयर 1 के इनसाइड कोई चीज आने वाली है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये क्या हो गया, क्लिक जैसे ही मैंने किया तो बेसिकली जो अभी लेयर 1 हो गई वो इसके इनसाइड आ गई, मेरे ऑब्जेक्ट के इनसाइड आ गई। अब मैं यहाँ आने के बाद ठीक है कंट्रोल वी कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी करने के बाद मैंने इसको कर दिया ट्रांसफॉर्म। अब देखो एक चीज के अंदर क्या हो रही है, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करके मैंने इसका साइज सेट किया, साइज जैसे सेट किया, अब देखो जो मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था यानी कि मेरा एलिप्स वाला पार्ट था
आवाज कट रही है, फ्रूट कैसे लाए? अच्छा चलो ठीक है, मैं दोबारा बता दे रहा कि कैसे आया था, ठीक है? ऑल राइट, जरा सा गौर से देखो ये कैसे आया दोबारा सब कुछ ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोबारा से इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे पास एक लेयर है जो मैंने इलिप्स वाला शेप, मैंने सबसे पहले एक शेप या जिसे ऑब्जेक्ट कहोगी मैंने उसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ठीक है मैंने एक और लेयर ले ली, ठीक है एक और लेयर ली, और इस लेयर को मैं क्या करूंगा, इस लेयर के अंदर मैं कोई से भी दूसरा पार्ट तो मैं उसमें ऐड करने जा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं गूगल पे आके मैंने फ्रूट सर्च किया, फ्रूट सर्च करने के बाद, फ्रूट सर्च करने के बाद मैंने फ्रूट ट्रांसपेरेंट पीएनजी के नाम से मैंने सर्च किया, और सर्च करके मेरे पास डिफरेंट फ्रूट सामने आ गए। अब मैं क्या करूंगा, कोई सी भी एक इमेज जो मुझे पसंद आ रही है मैं उस पर जाके मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ठीक है कोई सी भी इमेज क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, कॉपी इमेज की मैंने, और कॉपी इमेज करने के बाद अगेन मैं आऊंगा अपने वर्किंग एरिया पे, और वर्किंग एरिया पे आके कंट्रोल वी दबा दिया, तो अभी इसका साइज बहुत बड़ा हो गया। कंट्रोल टी से मैं इसके साइज को छोटा कर रहा हूँ, अभी क्या करने लगा, छोटा कर रहा हूँ। अच्छा अभी देखो कि एक लेयर के अंदर मैंने जो है वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था पहले, और दूसरी लेयर के अंदर मैंने कोई से भी इमेज जो है वो लाके रख दिया, ठीक है? अभी क्या होगा अभी देखना, अभी दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं तुम्हें, यानी कि जो ऑब्जेक्ट लेयर है, ऑब्जेक्ट वाली वो मेरी बैक है पीछे, लेकिन जो इमेज लेयर है वो आगे, तो जब भी इमेज वाला पार्ट मेरे ऑब्जेक्ट से आगे आया। अभी देखो क्या होता है, अब मैं जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ लेकर आता हूँ, और ऑल्ट दबाने के बाद, ऑल्ट मैंने प्रेस किया हुआ है तो मेरे पास एक साइन आ रहा है जो शो कर रहा है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है उसके अंदर आप लेयर वन इनसाइड फिट करना चाहते हो, जिसमें ऑप्शन आ रहा, तो मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब देखो क्या हो गया, ये हो गई। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है वो क्या हो गया, मास्किंग वाला पार्ट हो गया, इसको कहते हैं मास्किंग हो गया, यानी क्लिप मास्क हो गया ऑलरेडी। क्लिप मास्क का मतलब होता है कि जो मेरा इमेज बाहर थी वो इमेज मेरे ऑब्जेक्ट के इनसाइड आ गई। अब देखो कैसे आ गई है, कंट्रोल टी कर रहा हूं मैं, अब देखो ये देखो मैं इसको कहीं पे भी घुमा रहा हूँ तो ये इनसाइड वाला जो व्यू है ये क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया है, यानी कि मेरा जो इमेज कोई भी था जो मैंने सिलेक्ट किया था वो मेरे ऑब्जेक्ट के इनसाइड आ गया, यानी कि ये बेसिकली क्लिप मास्किंग हो गई है, कि जहां पे एक इमेज एक ऑब्जेक्ट के इनसाइड आ गया, इसको कहते हैं हम क्लिप मास्किंग होना। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, साइज छोटा बड़ा करूंगा तो वो बेसिकली क्या होगा, वो मेरे ऑब्जेक्ट के इनसाइड आ रहा होगा, ये देखो। तो ये बेसिकली एक पार्ट था क्लिप मास्किंग का, तुम्हें थोड़ा सा बताने का, अभी और जरा एग्जाम्पल्स देता हूँ ताकि चीजें तुम्हें समझ आए कि क्या हो रहा है, ठीक है? अब मैं क्या करूं, अब की बार मैंने एक लेयर सेलेक्ट की, और लेयर सेलेक्ट करने के बाद मैं टेक्स्ट लिखने जा रहा हूं, टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूं VEGETABLES, वेजिटेबल्स। क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा वेजिटेबल्स, ठीक है? और अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने इसको यहां लाके ड्रैग कर दिया, ठीक है? अच्छा अब ये बेसिकली यहाँ पे ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे, ठीक है? अभी मैंने यहाँ पे आके वेजिटेबल्स लिख दिया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोबारा आता हूँ गूगल इमेज पे, और गूगल इमेज पे आने के बाद यहाँ पे मैं कोई सी भी दूसरी इमेज लेने जा रहा हूँ, इस बार मैं कोई जो है वो वेजिटेबल्स वाली इमेज ले रहा हूँ, और वेजिटेबल्स के अंदर मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ टोमेटो, ठीक है? कोई सी मैं इमेज ले सकती हूँ, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? अब कोई सी भी इमेज लेने के बाद मैंने टोमेटो को क्लिक किया, और क्लिक किया अभी ये भी स्टार्ट होगा, और जैसे ये ओपन होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी लेंगे, ठीक है? अच्छा ये देखो ये ओपन हो चुका है, ठीक है? ये वाला थोड़ा सा शार्प है। अच्छा जितनी ज्यादा इमेज शार्प हो उतना ही ज्यादा वो वाली इमेज हम हमेशा लिया करेंगे, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन ज्यादा होता है। एक बात याद रखना कि जितनी ज्यादा कोई इमेज शार्प होगी वो उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो मैं क्या करूंगा, इसकी मैंने कॉपी इमेज ली,
कॉपी इमेज लेने के बाद दोबारा मैं आया अपने वर्किंग एरिया के अंदर। वर्किंग एरिया में आने के बाद मैंने एक और लेयर ली। एक और लेयर लेने के बाद कंट्रोल वी दबा दिया मैंने। कंट्रोल वी दबाया मैंने, और कंट्रोल वी दबाने के बाद थोड़ा सा छोटा कर लेना साइज, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए अभी क्या होने वाला है। देखो मैंने इसको अपने ऑब्जेक्ट के सामने लाके रख दिया। अब मैं दोबारा आता हूँ अपने लेयर यानी कि वेजिटेबल्स वाली लेयर के ऊपर आता हूँ, और अगेन मैं क्या करूंगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट था ये रहा ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर है मेरा इमेज। अब मैं क्या, जैसे ही ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान आ रहा हूँ, मैंने ऑल्ट बटन जो है वो प्रेस किया हुआ है। अब मैं जैसे ही नीचे आता हूँ तो ये एक ऑप्शन आता है नीचे कर्सर की तरफ का, तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखो ये इसके इनसाइड आ, कुछ समझ आया? इसे हम कहते हैं क्लिप मास्किंग हो जाना। क्या हो गया ये मेरा क्लिप मास्क हो गया, यानी कि ये जो मेरा टोमेटो वाला पार्ट था ये बेसिकली उसके इनसाइड आ गया। थोड़ा सा और क्लोज करके दिखा दे रहा ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो अभी मेरा टोमेटो वाला पार्ट था जो कि मेरे जो ऑब्जेक्ट थे उस ऑब्जेक्ट से बाहर था, अभी वो उसके इनसाइड आ गया, ठीक है? इसे हम कहते हैं क्लिप मास्किंग, ठीक है? इसी तरह मैं कोई सा भी दो इमेज, डिफरेंट इमेज ले सकता हूँ, और इमेज कर इमेज लेने के बाद मैं उसकी क्लिप मास्किंग कर सकता हूँ। अच्छा, इस बार मैं जो है मैं लेना चाह रहा हूँ लेमन, ठीक है? और लेमन लेने के बाद मैंने इमेज पे क्लिक किया, और इमेज पे क्लिक करने के बाद दोबारा से मैं इस इमेज की लूंगा कॉपी। मैंने कॉपी इमेज ली, और अब दोबारा से मैं अपने वर्किंग एरिया पे आ गया। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर ले रहा ताकि तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है? अच्छा, अब अगेन ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लेयर लूंगा। एक और लेयर लेने के बाद मैं ले कंट्रोल वी दबाता हूँ। कंट्रोल वी करके जो मेरा जो ये वाला पार्ट था जो मैंने इमेज चूज किया था वो लाके मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ जाहिर है मेरे ऑब्जेक्ट के बैक साइड पे आ जाए, क्लिप मास्किंग हो जाए। क्लिप मास्किंग के लिए क्या होगा, अगेन मैं आऊंगा ऊपर, और ऊपर आने के बाद अगेन मैं अपने कर्सर को लेके आऊंगा जो अभी न्यू लेयर है उसके ऊपर, और ऑल्ट प्रेस करूंगा। प्रेस करके जरा सा नीचे आऊंगा मैं। जैसे ही नीचे आया मैं तो तुम्हारे सामने ये देखो कि इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है कर्सर का। मैंने क्लिक किया, क्लिक किया तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई। दैट इज कॉल्ड क्लिप मास्किंग, यानी कि मास्किंग हो गई, क्लिप मास्किंग, ठीक है? मैं चाहूँ तो साइज इसका छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन मी। समझ आ रही है चीज? इज इट क्लियर? ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हैं हम, ये जैसे ये वाला पार्ट हो गया। और तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए मैं डिफरेंट जो है बस के अंदर फ्रूट्स ऐड करता जा रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ जाए कि हम किस तरीके से क्लिप मास्किंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इस बार मैं कुछ डिफरेंट फ्रूट लेना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि वो वेजिटेबल्स मैं अभी ले रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई एक और डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स मैं सिलेक्ट करूँ। मैंने ब्रिंजल सिलेक्ट किया, ठीक है? और सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास ब्रिंजल वाला पार्ट आ गया। बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि क्लिप मास्किंग कैसे होती है, और क्लिप मास्किंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जब डिजाइनर डिजाइन कर रहा होता है और कोई इमेज होती है या कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको इनसाइड दिखाना होता है तो हम क्लिप मास्किंग करते हैं हमेशा, ठीक है? तो क्लिप मास्किंग का इस्तेमाल आना जरूरी है, और इसके थ्रू जो है हम बहुत सारी चीजें क्लिप कर सकते हैं, इनसाइड इमेज हो गया। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना है कि जब भी हम किसी इमेज को इनसाइड क्लिप कर रहे होंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए और इमेज बाद में आना चाहिए, हमेशा इस बात को याद रखना। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट को बाद में प्लेस करते हो, इमेज को पहले प्लेस करते हो, तो वो कभी क्लिपिंग ऐसे नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली लेयर को, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले लेयर सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल वी से ये मेरी इमेज आ गई। अच्छा, ये बहुत छोटी इमेज है क्योंकि इसका रेजोल्यूशन बड़ा छोटा था, मैं कंट्रोल टी थोड़ा सा बड़ा करने जा रहा हूँ, ये मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है? और अगेन मैं इसको क्या करूंगा, क्लिपिंग करने के लिए मैं एरो हेड लेके जाऊंगा अपने न्यू लेयर के ऊपर, और लेयर के ऊपर जाने के बाद मैं जैसे ही इसको ऑल्ट दबा के नीचे की तरफ प्रेस करूंगा
ये यू कैन सी क्लिप मास्किंग हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजों को कि अपने ऑब्जेक्ट के इनसाइड प्लेस कर सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम किस तरीके से इसको प्लेस करें, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अब हम कोई से भी वेजिटेबल्स, और भी बहुत सारी हैं, मैं डायरेक्ट वेजिटेबल्स ही लिख दे रहा ताकि और भी मेरे पास डिफरेंट किस्म के वेजिटेबल्स आ जाए, ठीक है। और लेट सपोज ये मैंने ले लिया एक पार्ट, ठीक है। तो होपफुली कि तुम्हें ये पार्ट समझ आ रहा होगा कि हम क्लिप मास्किंग कैसे करते हैं और क्लिप मास्किंग कितनी जरूरी होती है, ठीक है। ये एक पार्ट है, मैंने इसको इमेज को मैंने कॉपी की। कॉपी करने के बाद अगेन मैं अभी यहाँ आने के बाद पहले लेयर सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि हम डिफरेंट लेयर के अंदर अपने इमेज को प्लेस करते जा रहे हैं। तो मैंने एक और लेयर सिलेक्ट की। लेयर सिलेक्ट करने के बाद अभी जो मैंने कॉपी की थी, अब मैं इसको करूंगा पेस्ट, यानी कि कंट्रोल वी। कंट्रोल वी किया मैंने, और क्योंकि साइज इसका छोटा है तो मैं कंट्रोल टी करके इसके साइज को बड़ा कर दूंगा। हियर यू कैन सी ये साइज इसका बड़ा हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब मुझे करनी है क्लिप मास्किंग। तो अगेन एक ही मेथड को दोबारा बता रहा हूं मैं, कि मैं गया अपने कर्सर को लेके न्यू लेयर के ऊपर, और मैंने ऑल्ट प्रेस करके जैसे ही मैं कर्सर को बिलो नीचे आऊंगा तो एक एरो वाला पार्ट आएगा। ये एरो का पार्ट जैसे ही आएगा यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है। क्लिक किया तो ये देखो ऑलरेडी क्लिप मास्किंग हो चुकी है इनसाइड, ठीक है। तो होपफुली ये पार्ट समझ आ रहा होगा कि हम किस तरीके से क्लिप मास्किंग के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई भी इमेज प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब रिमेम्बर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है और कोई ये फॉन्ट यानी कि टेक्स्ट के अंदर भी ये हम प्लेस कर सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि सिचुएशन क्या है और क्लाइंट हमसे क्या डिमांड करता है, तो उस लिहाज से जो है हम क्लिप मास्किंग यूज करेंगे। तो होपफुली ये पार्ट तुम्हें समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्लिप मास्किंग को यूज करके अपना अपनी लेयर को एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये पार्ट समझ आया, जरा एक बार मुझे चैट में बता दो कि ये पार्ट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि अगर नहीं आ रहा तो मैं अगेन तुम्हें बता दूं। जरा एक बार चैट में मुझे बता दो कि ये पार्ट समझ आ रहा, ताकि फिर इस लिहाज से फिर जो कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैं फिर अभी तुम्हारे सामने परफॉर्म करके बता दूं। आर यू गेटिंग, समझ आ रही है चीजें? चलो अच्छी बात है कि समझ आ गया। अच्छा, पुराना वाला पार्ट समझ आया था, टेक्स्ट लेयर वाले पार्ट समझ आया? एक बार दोबारा से बताओ, टेक्स्ट लेयर कैसे, जो मैंने तुम्हें बताया था वो वाला पार्ट समझ आया? कि हम दो डिफरेंट लेयर को यानी कि फॉन्ट को यूज करके हम कैसे अपने जो है टेक्स्ट लेयर को रेस्टराइज करके हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट कलर थीम के अंदर ऐड कर देते हैं। वो वाला पार्ट समझ आया था? कुछ पूछना उसमें से तो मुझसे पूछ सकती हो, कि वो कोई नई चीज है या कोई डिफरेंट कुछ पूछना है तो मैं अभी तुम्हारे सामने एक्टिविटी करके बताऊंगा ताकि समझ आ सके। अच्छा, वो कलर चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, वो वाला पार्ट समझ आया था नहीं आया था, या मैं करके दिखा दूं एक बार, मुझे बता दो ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। वो बताऊं तुम्हें पार्ट नेक्स्ट, जो प्रीवियस क्लास में बताई थी मैंने बात? ट्रायंगल नहीं हटा, हट रहा, ठीक है, ट्रायंगल नहीं हट रहा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे हम जो है वो वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल से मुराद क्या, ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात कर रहे हो, जरा सा मुझे इसको मजीद एक्सप्लेन करो, कौन सा ट्रायंगल नहीं हट रहा? आर यू गेटिंग, कुछ समझ आ रहा है मैं जो पूछ रहा हूँ, कौन सा ट्राइंगल नहीं बन रहा, जरा सा मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। अच्छा, जिससे हम डिलीट कर दें, ठीक है। अच्छा चलो, मैं बता दे रहा दोबारा से कि कैसे होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे लेयर्स को
सिलेक्ट करने के बाद देखो मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके कंट्रोल दबाया मैंने, कंट्रोल प्रेस करके मैं ड्रैग करके नीचे लाऊंगा और मैंने डिलीट वाले पार्ट में इसको डिलीट कर दिया सारा पार्ट, ठीक है। अच्छा चलो दोबारा से बता दे रहा, मैंने लेयर सिलेक्ट की, लेयर सिलेक्ट करने के बाद मैं रेक्टेंगुलर मार्की यूज करके क्या किया मैंने, मैंने कोई भी कलर इसके अंदर ऐड कर दिया। कलर ऐड करने के लिए ये वाला कलर था मेरा, और मैंने इसको ऑल्ट प्लस बैक स्पेस दबाया, और बैक स्पेस दबाने के बाद मैंने इसके अंदर कोई कलर सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी से मैंने इसको डी सिलेक्ट कर दिया। डी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट में ले रहा हूँ कोई टेक्स्ट लेयर, टेक्स्ट लेयर लेने के बाद मैं नाम दूंगा इसको कुछ भी, लेट सपोज मैंने इसमें नाम दे दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान नाम देने के बाद मैं इसको बिल्कुल सेंट्रली अलाइन कर दिया मैंने। सेंट्रली अलाइन करने के बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे से मैंने इसकी कॉपी ले ली। किसकी कॉपी ले ली, मैंने अपने टेक्स्ट लेयर की कॉपी ले ली। टेक्स्ट लेयर की कॉपी लेने के बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद मैंने सिलेक्शन का पार्ट चूज किया, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं नीचे वाली लेयर को मैं डिलीट कर दूँ ताकि मैं इसके कलर को चेंज कर सकूँ। मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही डिलीट का ऑप्शन दबाया तो मेरे पास लेयर पे लिखा हुआ आ रहा है कि कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द पिक्सल इन अ टाइप लेयर कैन नॉट बी एडिटेड, यानी कि हम इसको एडिट नहीं कर सकते विदाउट फर्स्ट रेस्टराइजिंग द लेयर, यानी कि हमें पहले इसको रेस्टराइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस लेयर को रेस्टराइज करने के लिए ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस लेयर को रेस्टराइज करने के लिए सबसे पहले मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है रेस्टराइज टाइप, रेस्टराइज टाइप पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इस पूरे लेयर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने डिलीट दबाया, डिलीट दबाने के बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या करूंगा, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है मेरा कि मैं इस लेयर पे आने के बाद दोबारा मैं क्लिक करूंगा, मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाऊंगा, ठीक है। इस बार ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाने के बाद मैंने अपना ग्रेडियंट और मेरा पैटर्न ओवरले ये मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया, जैसे मैंने ओके किया और ओके करने के बाद मैं लेयर नंबर 1 पे आके मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो तुम्हारे सामने ये देखो दोबारा बहुत आसानी से मेरा दो डिफरेंट कलर आ गए। और अगर मैं चाहूँ अगर पैटर्न ओवरले हटा दूँ, लेट्स सपोज ये ग्रेडियंट वाला पार्ट भी हटा दूँ, तो तुम्हारे सामने देखो अभी भी कलर मेरा डिफरेंट हो गया। सो इट्स वेरी इजी, अगेन तुम्हें समझ नहीं आया लेकिन ये बहुत आसान पार्ट था जो तुम्हें अब समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इट्स बीन अ वाइल और ये अगेन एंड अगेन तुम्हें समझाया जा रहा है, तो होपफुली इस बार समझ आ गया होगा।